आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, तो हमारा आज का प्रश्न है, यदि 6+8 tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा और 8-6 tan थीटा इज इक्वल टू k secant थीटा है तो k स्क्वायर का मान क्या है। हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है 11, दूसरा विकल्प है 22, तीसरा विकल्प है 77 और चौथा विकल्प है 99। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं कि secant थीटा माइनस 8 tan थीटा इज इक्वल टू 6। और इक्वेशन नंबर 2 से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे k secant थीटा प्लस 6 tan थीटा इज इक्वल टू 8। अब हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे 6 tan थीटा इज इक्वल टू 8 माइनस k secant थीटा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम पहली क्वेश्चन में secant थीटा माइनस 8 tan थीटा इज इक्वल टू 6, तो हम दोनों तरफ 6/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/8 और यहाँ पे भी हम 6/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 6/8 secant थीटा माइनस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 tan थीटा इज इक्वल टू 36/8। अब हम 36/8 को इस तरफ लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 6/8 secant थीटा माइनस 36/8 इज इक्वल टू 6 tan थीटा। अब हम ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें पता है जो 6 tan थीटा है वो 8 माइनस k secant थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 6/8 secant थीटा माइनस 36/8 इज इक्वल टू 8 माइनस k secant थीटा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे ये बन जाएगा 6 secant थीटा माइनस 36, 8 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 64 माइनस 8 k secant थीटा। अब यहाँ से हम इसको लिखेंगे 6 secant थीटा माइनस के इस तरफ आके प्लस के हो जाएंगे 8 k secant थीटा इज इक्वल टू 64 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से 6 थीटा को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 6+8 k इज इक्वल टू 100, जो कि बराबर होगा secant थीटा इज इक्वल टू 100/6+8 के। अब हम दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो ये बन जाएगा 100/2 × 4k+3 के बराबर, और इसको कैंसिल करने पर हमें मिलता है 50/4k+3। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास secant थीटा की जो वैल्यू है हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा k secant थीटा प्लस 6 tan थीटा इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम secant थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k into 50/4k+3+6। अब हमें पता है tan थीटा जो बराबर होता है वो होता है स्क्वायर रूट secant square theta minus 1 के, which is equal to 8। तो यहाँ पे हम वो values put करेंगे secant theta की, तो ये बन जाएगा 50k/4k+3+6 × √50/4k+3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू 8। हम यहाँ से 50k/4k+3 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 × √50/4k+3
3 का होल स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 50k अपॉन 4k प्लस 3। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 4k प्लस 3 और यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 32k प्लस 24 माइनस 50k, जिसको फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिलता है 24 माइनस 18k अपॉन 4k प्लस 3। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 6 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड कर जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 50 अपॉन 4k प्लस 3 का स्क्वायर रूट माइनस 1, इसका होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दिस वैल्यू इंटू 1 अपॉन 6। और जब हम 6 से 24 और 18 को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4 माइनस 3k अपॉन 4k प्लस 3। यहाँ पे जब हम 50 अपॉन 4k प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखते हैं माइनस 1, जब हम इस स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में भी इसका एलसीएम लेंगे जो कि बराबर होगा 50 अपॉन 4k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये बनेगा 4k प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3k का होल स्क्वायर अपॉन 4k प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4k प्लस 3 स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी अब 50 माइनस, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4 4 16 के स्क्वायर, 3 3 9 माइनस 3 4 12 24 के विच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 4 16 प्लस 9 के स्क्वायर माइनस 4 3 12 24 के। अब यहाँ पे इसको हम माइनस के 24k से माइनस के 24k को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से ये बन जाएगा 50। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 50 का भी स्क्वायर करना है, और जो 50 का स्क्वायर होता है वो होता है 2500 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2500 माइनस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 9k का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 16k का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, और इसको माइनस करने पर हमें मिलता है 2475। अब हमें यहाँ पे k स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 2475 अपॉन 25, जिसको कैंसिल करने पर हमें मिलता है 99, जो कि हमारा उत्तर है। आइए हम देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो रहा है, तो जो हमारा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है वह है विकल्प नंबर 4। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।